आज पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन अवसर पर मैं उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया था। आज हम सभी इसी उद्देश्य से यहां एकत्र हुए हैं, एक पवित्र कार्य करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही यहां रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है और मैं अभी वो कैसे बनने वाला है, शिवराज जी मुझे डिटेल में अभी उसका पूरा मैप दिखा रहे थे। मैं पक्का मानता हूं ये बनने के बाद हिंदुस्तान की हर माता को, हर नौजवान को इस धरती पर आने का मन कर जाएगा। एक प्रकार से यात्रा धाम बन जाएगा। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सर्वजन हिताय की सीख देता है, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। मैं रानी दुर्गावती जयंती पर पूरे आदिवासी समाज को, मध्य प्रदेश को और 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के किसी देश में रानी दुर्गावती जैसा कोई उनका नायक होता, नायिका होती, तो वो देश पूरी दुनिया में उछल कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। हमारे इन तेजस्वी, तपस्वी, त्याग और तपस्या की मूर्ति, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीरों को, वीरांगनाओं को भुला दिया गया।